सभी लोग कैसे हो? होप सो सभी लोग पढ़ रहे होंगे, क्योंकि नीट के लिए अब 40 डेज के आसपास ही रह गए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी नीट की जर्नी कैसी थी और मैंने क्या क्या स्ट्रगल किया या फिर क्या क्या मेरे बीच में रुकावट आई, उन सबको मैंने कैसे कैसे पार किया। और देखो, सबसे पहला अटेम्प्ट मैंने 12th के बाद 2016 में दिया। दो बार नीट हुआ था, चले गए ऐसे, कुछ पता नहीं था। फिर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैं कोटा गया हुआ था। कोटा की मेरी स्टोरी ऐसे है कि मेरे सारे घर वाले मतलब नाराज थे कि तू क्यों कोटा जा रहा है, तू यहाँ पर रह कर भी पढ़ सकता है। पर मेरे अंदर ये था कि यहाँ पर बहुत से ऐसे जो रिपीटर भी है, तीन तीन चार चार साल के, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। पर मेरे को सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा तरह गया था किसी भी हालत में। तो मैंने सोचा था कि मैं कोटा जाऊँगा। मैंने एक मेरा एक दोस्त और मैं सीधा खुद ही गए, ट्रेन पकड़ी कोटा के लिए। और अपने आप देखा कि कैसा ड्यूल है, कैसा पीजी का है, रहने का है, सब कुछ मैंने अपने आप देखा। तो यहाँ से ये मालूम पड़ता है कि जो मन में होता है तुम्हारे, वो करना चाहिए, तुमको किसी की सुननी चाहिए। फिर अगर तुम्हारा जो गोल के बीच में कुछ आ रहा है, जैसे कि तुम्हारे घर वाले तक मना कर रहे हैं कि ये मतलब नहीं, क्योंकि उनको होता है मोह माया। और तुम्हारी मम्मी ये बोलेंगे कि यार मेरा बेटा है यहीं पर पढ़ेगा, मेरे सामने रहेगा, आपके सामने रहेगा, तो ये सब तुमको चीजें नहीं देखनी है। क्योंकि ये कुछ सालों की बात है ना, आज वो मुझसे ये बोलते हैं कि मेरी वैसे कोटा गया था, उनके वर्डिंग चेंज हो गए। पहले जो लोग मुझको रोक रहे थे, पापा मम्मी कि मत जा कोटा, कि कोटा में क्या है, वो आज मुझसे ये बोलते हैं कि मेरी वैसे कोटा गया और कोटा कैसे उसे तेरा सिलेक्शन हुआ। तो देखो, ये कोटा की बात नहीं है कि मैं कोटा में नहीं हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसा बात नहीं है। मेरे दिमाग में था कि मेरे को वहां जाना है, तो वो मैंने किया। मतलब वैसे ही अगर आपके शहर में कोई कोचिंग है तो आपको लग रहा है कि हाँ यार इससे मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, तो आप वो करो। ये सबकी मत सुनो कि यार वो क्या कर रहा है, या फिर आकाश ज्वाइन कर लिया मैंने किसी सिटी के अंदर, पर आकाश जो है नाम नाम का है किसी सिटी में, पर सब ज्वाइन कर, इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अंदर गया तो देखा कि मेरी परफॉर्मेंस ही नहीं हो पा रही है। तो सबसे सेटिस्फाई किसको होना है? सिर्फ और सिर्फ आपको। तो इन सब में ये मत देखो कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे वो क्या सोचेंगे। तो देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब कुछ मैंने खुद अपने आप से किया था। परमानेंटली मेरे को जाना था ना, तब मैं पापा और मम्मी को लेके गया था। उससे पहले मैंने सब कुछ अपना सेटअप कर लिया था कि मेरे को किस बीच में रहना है, मेरे को कौन सा कोर्स लेना है, मेरे को क्या करना है, मैं सब कुछ अपने आप से ही कर लिया था वहां जाकर। फिर मैंने वहां पर क्या होता है ना कि यार मतलब पहली बार कोई लड़का जब बाहर जाता है ना, तो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, और वो भी कोटा जैसे शहर में। जो लोग इस समय कोटा में है वो मेरे को समझ पा रहे होंगे कि क्या होता है। सभी एक ही यूथ के लोग होते हैं वहां पर, तो क्या होता है वहां पर? मेरे को कह दीजिए कि वहां पर अडेप्टेशन में ही ना करीब करीब 5 या 6 महीने मेरे को अडेप्टेशन में ही लगे थे। मैं यहाँ से गया था अगस्त में, और झूठ नहीं बोला, जनवरी तक मेरे को कुछ नहीं आता था वहां पर कि मेरे पर क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर बाद में लगा कि यार घर वालों के फोन आते थे, इतना सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब मेरे को डर लगा। तब एक्चुअली मैंने पढ़ाई जो की थी अपनी जनवरी, फेब और मार्च, 3 महीने मैंने पढ़ा था। मैं सबको बोलता हूँ कि 3 महीने में ही मैंने पढ़ा था जो भी कुछ पढ़ा था। तो उससे पहले मेरे मार्क्स आते थे 350 के आसपास। फिर जब 3 महीने मैंने स्टडी करी तो मेरे मार्क्स आते थे 550 के ऊपर, और 2017 में 550 काफी सफिशियंट नंबर था, क्योंकि 2016 में 420 तक अच्छा खासा मतलब कॉलेज मिल जाता है जनरल की कैटेगरी को। फिर अब क्या हुआ कि मेरे 545 मार्क्स आए थे 2017 में, तो मेरे को तो लगा कि यार हो जाएगा, यार 12,000 रैंक है नीट में, आराम से हो जाएगा। फिर कोटा से एलन के प्रैक्टिस सॉल्यूशन के फोन भी आए हुए थे, मैं वहां पर भी गया हुआ था सॉल्यूशन में कि यार अब तो हो ही जाएगा मैसेज करके। अब कहते हैं किस्मत ने अपनी पलटी खाई, मेरा ऑल इंडिया में नहीं हुआ। फिर यूपी की काउंसलिंग हुई, यूपी की काउंसलिंग में सोचिए कि 546 कट ऑफ गई थी और 545 मेरे मार्क्स, मैं ओबीसी से हूँ।
ठीक है यार, फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकंड राउंड में नहीं हुआ, फिर मैं गया मॉपअप राउंड में। मॉपअप राउंड मैंने सोचा कि यार मॉपअप राउंड में तो कम से कम मिल ही जाएगा, 4 या 5 नंबर का तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो वहाँ गए, वहाँ पर जाके सुबह गए थे हम लखनऊ, पापा और मैं, तो 8 बजे के आसपास पहुँचे थे वहाँ पर, और हमको रात में करीब करीब 12 बज गया था। तो ऐसा था कि एक एक करके बोल बुलाते थे कि अब नेक्स्ट तुम्हारा है, नेक्स्ट तुम्हारा है, नेक्स्ट तुम्हारा है। तो मेरे आगे जो है 4 लोग थे और मैं 5वें नंबर पे था, 12 बजे थे इस प्रोसेस को पूरा पूरा होने में, क्योंकि मोबाइल राउंड में ऐसा होता है ना कि कभी किसी ने सीट छोड़ी तो वो अपडेट ऑनलाइन उसी टाइम पर होती है, तो हमको मालूम नहीं होता कि कितनी सीट अवेलेबल है और क्या होता है। तो ऐसे हम लोग 4 लोग खड़े हुए थे, 5वां मेरा नंबर मेरा था, तो जो मेरा नेक्स्ट था आगे उसको मैंने पूछा, वो बोलता है मेरे 545 मार्क्स है उसको, उसके आगे सबके मतलब 545 मार्क्स थे, पर वो कह दीजिए कि नाम की वजह से डिफरेंस था, बायो में नंबर तक सेम थे हमारे, जो मेरे आगे था उसके बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब में नंबर सेम थे, सिर्फ और सिर्फ नाम का डिफरेंस था कि मेरा ए एन नाम से था और उसका कुछ और नाम से था जो मेरे से आगे आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ नाम का डिफरेंस था। ठीक है, तो पहले वाले को सीट मिल गई कानपुर, दूसरे वाले को मिला कानपुर की सीट थी वो मिल गई, तीसरे वाले को शायद बांदा मिल गया, चौथे वाले को भी शायद बांदा या फिर कन्नौज मिल गया। अब फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को भी बांदा या कन्नौज मिल सकता है, फिर मैं गया अंदर, उन्होंने बोला कि सॉरी बेटा सीट नहीं है MBBS की, तो BDS कर लेना, BDS की सीट है वो तुम भर सकते हो KGMC के अंदर। अब यार पूरा माइंड अपसेट किया मेरे को, तो पूरा लगा था कि यार मेरे जस्ट आगे वाले को सीट मिली है और मेरे को सीट नहीं मिली, सोचो एक कह दो कि नाम की वजह से ना पूरी साल बर्बाद हो जाएगी मेरी। फिर मैं गया सीधा बाहर, पापा से पूछा कि पापा BDS मिल रही है MBBS नहीं मिल रही। पापा ने बोला नहीं BDS नहीं करवानी हमें। मैंने कहा बोला कि पापा BDS मैं मतलब कर लेता हूँ, अगले साल नीट की तैयारी भी कर लूंगा। बोले नहीं BDS नहीं करेगा। फिर यार ये सब प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि मैं आ गया था अपने घर आ गया था। फिर यार मेरा बिल्कुल मन हट गया था कि मेरे को MBBS करनी है, मेरा बिल्कुल मन हट चुका था कि यार बहुत मेहनत करी थी यार, 3-4 महीने ही मतलब करी थी, पर अपनी जी जान से पूरी कोशिश करते हैं ना, तो वो अगर ना मिले तो यार बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि यार एक नंबर से भी नहीं, बस एक रैंक से, वो भी रैंक में क्या हुआ कि नाम की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यार रिलेटिव्स कभी किसी के फोन कि तुम्हारा नहीं हुआ, ये गया और बंदा कोटा में जाके पड़ा था और बहुत कुछ हुआ था। फिर सबको जवाब देना होता, घर वालों ने भी संभाला, फिर मैंने भी संभाला, पर मेरा मन हट चुका था कि यार मेरे को बिजनेस में जाना। मैंने पापा से बोल दिया कि पापा मेरे को अब आपके बिजनेस में जाना है और मेरे को जो है पढ़ाई नहीं करनी मेडिकल की। तो पापा बोले कि यार एक बार और देख ले। मैंने बोला मुझसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि वही चीज बार बार पढ़ना वो मेरे बस का नहीं था। मैं तो अब ये सब हुआ, फिर इसके बाद कहते हैं ना कि यार एक अनजाने में ही ना भगवान तुमको एक रास्ता दिखाता है, तुम अगर उस पर चल दिए तो ठीक है, अगर तुम उस रास्ते से उतर गए वो तुमने रास्ता नहीं समझा तो वो दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था, उसके मामा थे SN मेडिकल कॉलेज में, वो MBBS कर रहे थे, लास्ट ईयर के स्टूडेंट थे वो। तो मैंने उनको फोन लगाया कि भैया मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये स्ट्रीम छोड़ दूँ, क्योंकि अब मैंने इतना मेहनत करी और ये सब किया, पैसा भी वेस्ट हुआ, टाइम भी वेस्ट हुआ और सब कुछ लगा हुआ था, सब कुछ वेस्ट हो गया। वो उससे बोलते हैं देख ये है मेडिकल स्ट्रीम, यहाँ पर तू 1 साल ड्रॉप है, 2 साल ड्रॉप है, 3 साल ड्रॉप है, ये मैटर नहीं करता, यहाँ पर से मैटर करता है कि डिग्री और तेरे पास कितना एक्सपीरियंस हो। मान ले कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, ठीक है 12th के समय उसका निकल गया, पर उसकी PG जो है ना वो लेट में निकलेगा, तो अपना PG जल्दी कर दे, PG फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दे, तू भी तो उसी के संग आ गया।
और जब भी कोई पेशेंट आता है ना, वो एक्सपीरियंस को देखता है, वो यही देखेगा कि तुम्हारे अंदर कितने ड्रॉप है, एक ड्रॉप है, दो ड्रॉप है, तीन ड्रॉप, उसको कोई मतलब नहीं, उसको मतलब है कि एक्सपीरियंस, कि आपका कितना आप जो है जानते हो एक मतलब बीमारी के बारे में, कितना जानते हो या फिर आपका कितना नाम है, वो उसके बेसिस पर आता है। ये मैटर नहीं करता है कि इतने साल हो गए, दो साल हो गए, तीन साल हो गए, तो उन्होंने समझाया, मेरे को समझ में आई। फिर मैंने उनका फ़ोन कट किया और नेक्स्ट काम ये किया कि मैंने कोटा के लिए दोबारा ट्रेन बुक कर दी नेक्स्ट डे की, जस्ट शाम की ट्रेन थी। फिर मैं चला गया दोबारा से कोटा गया। यार वो सब जो होता है ना कि तुमने यहाँ पर ये किया वो किया, सब कुछ मतलब रिवाइंड हो जाता है पूरा। फिर मैं कोटा में था, मैं संग फिर पापा गए थे और मम्मी गई थी, तो मैं मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी रहने दूँ क्या? मम्मी बोलती है अब देख अब आ ही गए तो तू भाई अब पढ़ ले, मन नहीं करा तो आ जाइए वापस। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया ऑप्शन मम्मी ने बोल ही दिया है तो फिर ठीक है। फिर मैं गया वहाँ पर, फिर दोबारा से गया वहाँ पर, तो जब आसपास के लोगों को भी देखा, वो मेरे ऐसे काफ़ी लोग थे यूपी और बिहार के जिनके 545 अप्रोक्स के आसपास मार्क्स थे, करीब करीब 50 या 60 लोग थे, और वो मतलब रिपीट जो किया था उन्होंने इसी वजह से किया था कि 545 के आसपास मार्क्स थे यूपी और बिहार वालों के, तो वो रिपीटर थे। तो फिर दोस्त बने, सब कुछ दोबारा से करना चाहा, 3-4 महीने में पढ़ी प्रिपेयर किया, 650 नंबर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, 650 नंबर आ रहे हैं, 600 नंबर के आस पास आ रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा था। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मतलब फिर नीट हुआ, नीट में आराम से सिलेक्शन मिल गया, जो कभी सोचा नहीं था कि यार एसएन मेडिकल कॉलेज पास के पास का मिल जाएगा। मेरे घर से एसएन मेडिकल कॉलेज कह दो कि 10 मिनट की दूरी पर है, कि मतलब मैं अपनी एमबीबीएस मैं अपने घर से ही कर रहा हूँ, कहते कि वो जो स्ट्रगल था मेरा वो मेरा अब बिल्कुल भी नहीं है। वही होता है सबके लाइफ में स्ट्रगल आता है किसी किसी टाइम पे, तो वो निकाल दो फिर तुम्हारी लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि अब मुझे भी ये अब मेरे को ये पता है कि अभी मेरी लाइफ इजी चल रही है, अब आगे वाले समय में मेरी लाइफ हार्ड होने वाली है, क्योंकि लाइफ जो है ना वो ऐसे होती है, अगर ऐसे हो गई ना तो डेथ का साइन होता है, ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ईजी है कभी हार्ड है। और ये टाइम जो है ना सबके संग आता है, बस हमको रुकना नहीं है कि यार मतलब नहीं हुआ है और मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं और ये हो गया है वो हो गया है, मतलब रुकना नहीं है अपने को, बस यार उस मोमेंट क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। जो टॉपर होता है कह दो कि उसको तक नहीं पता होती है कि यार मैं टॉप करने वाला होता हूँ, वो कह दो कि बाय लक चांस फैक्टर भी होता है, बहुत चीजें होती हैं। तो बस अपने को रुकना नहीं है कि यार मेरे को नंबर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँगा, नंबर आज नहीं आ रहे कल तो आएंगे, कल नहीं आ रहे परसों तो आएंगे, परसों नहीं आ रहे तो उसके बाद तो 100% आएंगे ना। बस अपने आप को समय देते रहो, ये तो वहां सिर्फ हार्ड वर्क का टाइम है और वो तुमको करना पड़ेगा, कैसे भी करना पड़ेगा तुमको अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर ये वीडियो आपको इंस्पिरेशन लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके लाइफ में क्या क्या हर्डल्स हैं। और अगर ये वीडियो आपको इंस्पिरेशन लगी हो तो अपने फ्रेंड लोकेशन और शेयर करना।